यह रोहन है जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, बस पढ़ता ही रहता है। फिर उसे परीक्षा का परिणाम प्राप्त होता है। वह बहुत पढ़ा लेकिन फिर भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं आए। आखिर क्यों? कारण यह है, असल में सीखने का कोई एक तरीका होता ही नहीं जो सबके लिए सही हो। कुछ तरीके हो सकते हैं किसी के लिए बहुत सही हों जबकि दूसरों के लिए सही ना हों। हर कोई अपने अलग तरीके से सीखता है। अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा तो आपको अपनी सीखने की शैली जाननी होगी। सीखने की चार प्रमुख शैलियाँ हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड किनेस्थेटिक, या फिर कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग। ज़्यादातर लोग इनमें से किसी एक शैली से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन कुछ इनमें से दो या अधिक के कम्बिनेशन से भी सीखते हैं। आप अपने पुराने अनुभवों से भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस शैली से बेहतर सीख सकते हैं। आइए दोबारा रोहन को देखते हैं। जब उसकी अध्यापिका व्याख्या करती हैं तो वह जल्दी बोर हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और नहीं याद रहता है। लेकिन जैसे ही अध्यापिका उसे कुछ चीज़ें दिखा कर पढ़ाती हैं तो वह आसानी से समझ पाता है और ध्यान भी केंद्रित रहता है। शायद वह एक विजुअल लर्नर है। अब खुद को देखें, आप किस तरह सीखना पसंद करते हैं? क्या आप सुनने की बजाय देखना पसंद करते हैं, या पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर करके सीखना पसंद करते हैं? जानने की कोशिश करें कि इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद है। आइए देखते हैं रोहन कैसे सीखता है। एक विजुअल लर्नर के रूप में रोहन अपने नोट्स को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करता है, अलग अलग तरह के डायग्राम्स बनाता है जिससे उनको समझने में आसानी होती है। वह वीडियो देखना भी पसंद करता है जो उसे लंबे समय तक फिर याद भी रहते हैं। रूबी एक ऑडिटरी लर्नर है। वह बोल बोल कर पढ़ना पसंद करती है, दूसरों के साथ विचार विमर्श करती है। वह जब पढ़ती है तब भी बोलती रहती है, और कभी कभी तो वह कक्षा में अपने अध्यापिका के व्याख्यान को भी रिकॉर्ड कर लेती है ताकि घर जाकर उनको दोबारा से सुन सके। रजत एक पढ़कर और लिखकर आसानी से सीखने वाला बच्चा है। वह कक्षा में बड़ी बारीकी से नोट्स बनाता है। वह याद करने के लिए लिखकर याद करता है और एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ता रहता है। गीतिका एक किनेस्थेटिक लर्नर है। वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है। वह लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके देखती है और पढ़ते समय भी वह एक जगह से दूसरी जगह टहलती रहती है। बीच बीच में वह रिलैक्स होने के लिए बाहर घूमती रहती है जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है और अच्छी तरह पढ़ पाती है। ये सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक ही अध्ययन सामग्री को पढ़ रहे थे, लेकिन सीखने की शैली सभी की अलग अलग थी। गारंटी तो नहीं, लेकिन अपनी अपनी सीखने की शैली का पता लगा लिया और उसी से ही सीखते हैं तो अपनी परीक्षा का परिणाम हमेशा बेहतर होता है। इनके अलावा चार और लर्निंग स्टाइल्स हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है डीप लर्निंग स्टाइल, सरफेस लर्निंग स्टाइल, इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल और रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर मैन के। पहला है डीप लर्निंग स्टाइल। जो स्टूडेंट्स होते हैं वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली, यानी डीप लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि बच्चे गहराई से समझते हैं, अच्छी तरह उसका अर्थ निकालते हैं कि क्या लिखा गया है, उस तरह से पढ़ते हैं ये। दूसरा है दे आर सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न, खुद अभी प्रेरित होते हैं सीखने के लिए, बाहर से कोई रिवार्ड या किसी और चीज़ के लिए नहीं सीखते, ये अपने आप मोटिवेटेड होते हैं। दूसरी बात होती है दे जस्ट रीड केयरफुली एवरीथिंग फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी डीप लर्निंग स्टाइल में मीनिंग निकाला जाता है, मीनिंग के लिए लर्निंग की जाती है, अच्छी तरह समझने के लिए लर्निंग की जाती है और बच्चे खुद मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद दूसरी लर्निंग स्टाइल है सरफेस लर्निंग स्टाइल। सरफेस लर्निंग स्टाइल कुछ इस तरह से है कि ऊपर ऊपर से सीखना होता है, एक तरह से ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, जस्ट रीडिंग होता है। तो देखते हैं, स्टूडेंट्स वांट टू जस्ट रीड द टेक्स्ट विदाउट प्रॉपर अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट उसको पढ़ते हैं कि है क्या चीज़। दे लर्न इन ए पैसिव वे, यानी खुद एक्टिव लर्निंग लर्नर नहीं होते एक तरह से ये। दूसरा है दे जस्ट डू रोट मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स, जस्ट रोट मेमोराइजेशन करते हैं, सीखने के लिए मीनिंग निकालने के लिए नहीं होता ये लर्निंग। और दूसरी बात इसके बाद है दे नीड एक्सटर्नल रिवार्ड्स, ग्रेड्स और पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स फॉर मोटिवेशन, यानी इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते, बाहर की कोई चीज़ होती है जिसके की वजह से ये मोटिवेटेड होते हैं,
यानी मजबूरी में किया गया काम होता है एक तरह से, कि उनको नंबर मिलने हैं या कोई रिवार्ड मिलने हैं या इसलिए या कोई और कह रहा है, इस वजह से ये सीखते हैं। इनको सरफेस लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद लर्निंग स्टाइल है तीसरा, इम्पल्सिव लर्निंग स्टाइल। इम्पल्सिव को मतलब हम कह सकते हैं उतावलापन या इस तरह का जो जल्दबाजी करने वाला लर्निंग स्टाइल है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह से सीखते हैं, स्टूडेंट्स गिव क्विक रिस्पॉन्स, यानी ये लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे जल्दी जवाब देते हैं आफ्टर स्कैनिंग द अल्टरनेटिव्स, यानी जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं और फटाक से जवाब देते हैं। लेकिन जो जवाब देते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते कि इसमें क्या लिखा था, बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं रखते, जस्ट वो जवाब देना चाहते हैं, यानी जल्दबाजी करते हैं एक तरह से। इम्पल्सिव स्टूडेंट्स ऑफन मेक मोर मिस्टेक्स देन रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव इसके अगला आएगा। तो यानी ये बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं क्योंकि जल्दबाजी करते हैं जवाब देने में। दे आर मोर फील्ड डिपेंडेंट, यानी फील्ड डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं एक तरह से। उसके बाद आते हैं दे नॉर्मली रिस्पॉन्ड विदाउट केयरफुल थिंकिंग, यानी बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते। इसके बाद आते हैं दे यूज़ गैसिंग रादर देन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये गैस वर्क ज़्यादा करते हैं, तुक्का मारते हैं, सोच समझ के या लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से जवाब नहीं देते। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल का मतलब वो लर्निंग स्टाइल है जहाँ बच्चे अच्छी तरह सोच समझ के लॉजिक के साथ रीजनिंग के साथ पढ़ते हैं या सीखते हैं। ये क्या क्या विशेषताएं होंगी, स्टूडेंट्स गिव रिस्पॉन्स आफ्टर केयरफुली सी द अल्टरनेटिव्स ली, यानी इम्पल्सिव में क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स तो देते हैं, जल्दी देते हैं लेकिन केयरफुल नहीं होते, यहाँ ये केयरफुल होते हैं। इसके बाद है द टेक टाइम फॉर फाइनल डिसीजन एंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ एन आंसर। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी एक्यूरेसी पूरी करने से पहले टाइम लेते हैं। उसके बाद हैं दे आर मोर फील्ड इंडिपेंडेंट, यानी पूरी तरह काफ़ी हद तक ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि खुद ही रीजनिंग करते हैं, खुद ही सोच समझ के फैसला लेते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दे आर बेटर इन लर्निंग रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग हायर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, यानी ये पढ़ाई के मामले में हर तरह से बेटर होते हैं, चाहे वो पैराग्राफ समझने में हो या फिर एक्सप्लेनेशन में हो, समस्या समाधान में हो और एग्जाम के मार्क्स में हो, तो ये बेटर परफॉर्म करते हैं हमेशा ही। तो चार तरह की लर्निंग हो गई। उसके बाद आते हैं हम दे मेक स्लोअर एंड कैलकुलेटेड डिसीजन। डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन जो इनका डिसीजन होता है वो रिस्क फैक्टर पर नहीं होता, कैलकुलेटेड होता है। उसके बाद आते हैं हम दे आर सिस्टमैटिक एंड कॉशियस इन लर्निंग। लर्निंग इनकी पूरी तरह से सिस्टमेटिक होती है और सचेत ढंग से ये सीखते हैं। लर्निंग स्टाइल्स बाय डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब ने भी चार लर्निंग स्टाइल्स दी थी, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आइए देखते हैं। इन्होंने एक सर्कल दिया था जो चार गुण हैं ह्यूमन के, वो चार गुणों का जिक्र किया था इन्होंने। एक है फीलिंग, दूसरा है वॉचिंग, थिंकिंग और डूइंग। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो सारा समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ है फीलिंग। फीलिंग का मतलब है कि जस्ट इमोशंस हैं वो, और एहसास करना या महसूस करना। दूसरा है वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब है एक तरह से ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। और थिंकिंग का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दिमाग में ही प्लानिंग बनाना या प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वो वाला। और डूइंग का मतलब है प्रैक्टिकल वर्क या हाथ और शरीर के द्वारा किए गए कार्य। और ये दो चीज़ें हैं जो अपोजिट चीज़ें हैं। जैसे फीलिंग वाला गुण है वो थिंकिंग का अपोजिट है, यानी अगर कोई व्यक्ति थिंकिंग वाला है तो वो फीलिंग नहीं कर सकता, या फिर ये कहें जो फीलिंग वाला है वो थिंकिंग नहीं कर सकता। और उस तरफ भी अपोजिट है, जैसे हम ये कहें कि जो ऑब्जर्वर हैं वो काम नहीं कर पाते, डूइंग नहीं होता उनसे, और जो डूइंग वाले हैं वो रुक नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो काम फटाक से कर देंगे। इस तरह से इन्होंने चार गुणों का नाम लिया, फिर इसी आधार पर चार तरह की लर्निंग स्टाइल निकाल दी, जो कि इन दोनों इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन था। जैसे फीलिंग और वॉचिंग का एक निकाल दिया डाइवर्जिंग, यानी वो व्यक्ति जिसमें फीलिंग का गुण भी हो और वॉचिंग का गुण भी हो उसको डाइवर्जिंग कहा जाएगा। हम आगे डिटेल से इनको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है, मान लो हम ये कहें कि डूइंग और थिंकिंग वाला है उसको कन्वर्जिंग कहा जाएगा, वॉचिंग और थिंकिंग वाले को एसिमिलेटिंग और डूइंग और फीलिंग वाले को अकोमोडेटिंग। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और लर्निंग स्टाइल में क्या विशेषताएं इनकी होंगी। यहाँ पे एक काम की चीज़ और भी है, कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ELM शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये भी इन्होंने दिया था। इसके बाद आते हैं हम ये लर्निंग स्टाइल हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहली है डाइवर्जिंग,
यानी फीलिंग प्लस वाचिंग है। फीलिंग प्लस वाचिंग का मतलब है कि उसमें फीलिंग वाले गुण भी होंगे और वाचिंग यानी ये ऑब्जर्वर होते हैं। तो इनमें गुण क्या क्या होंगे देखें, गुड एट जनरेटिंग आइडियाज, इनमें आइडियाज बहुत सारे होते हैं। दूसरा है इमेजिनेटिव एंड इमोशनल, इमोशनल फीलिंग्स हैं तो इनमें इमोशंस होंगे ही, और इमेजिनेशन करते हैं, काम कुछ नहीं करते, ध्यान रखें ये। उसके बाद है ओपन माइंडेड होते हैं, खुले दिमाग वाले होते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, निकालते भी हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। इसके बाद है प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप, यानी ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। ये चार गुण हैं जो डाइवर्जिंग लोगों की स्टाइल से सीखने वाले बच्चे होंगे उनके। एसिमिलेटर वाचिंग एंड थिंकिंग, वाचिंग प्लस थिंकिंग इनके बीच का एरिया है, वो एसिमिलेटिंग वाले होंगे। तो इनमें क्या गुण होंगे, हम ये कहेंगे ऑब्जर्वर होंगे और थिंकिंग वाले गुण भी होंगे इनमें। देखते हैं क्या क्या, लॉजिकल थिंकर होंगे क्योंकि थिंकिंग वाले गुण इनमें है। उसके बाद है नीड क्लियर एक्सप्लेनेशन देन प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, ये प्रैक्टिकल वाले तो डूइंग वाले होंगे, तो इनमें प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिकल चाहिए इनको, थिंकिंग चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस तरह के बच्चे होंगे। लेस इंटरेस्टेड इन पीपल एंड मोर इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये पीपल में नहीं होते, पीपल फीलिंग से संबंधित होती हैं, जो फीलिंग होते हैं वो लोगों से जुड़ते हैं, तो इनमें लोगों से इंटरेस्टेड ये नहीं होते, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ से संबंधित ज़्यादा अध्ययन कर पाते हैं। ये हो गए एसिमिलेटर, यानी कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग का उल्टा है एक तरह से। तो हम ये कहें कन्वर्जिंग में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक तो थिंकिंग तो होएगा ही होगा, दूसरा इनमें डूइंग भी होगा। तो देखते हैं क्या क्या, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ये, क्योंकि थिंकिंग प्लस डूइंग हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। थिंकिंग फर्स्ट एंड टेक एक्शन, पहले सोचते हैं फिर वो काम करते हैं। मोर प्रैक्टिकल देन लॉजिकल, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, लॉजिकल से ज़्यादा होते हैं ये। मेक डिसीजन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिसीजन अच्छी तरह ले पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छी तरह कर पाते हैं। लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज, एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं क्योंकि पहले सोचते हैं फिर क्रिया कर लेते हैं, यानी ये काम इनके हैं, ये कन्वर्जिंग का हो गया। डाइवर्जिंग वाले ये कोई भी काम नहीं कर पाता इनमें से। इसके बाद आते हैं अकोमोडेटिंग, डूइंग एंड फीलिंग, हम ये कहेंगे एकोमोडेटिंग वाले कौन से होंगे, जिनमें फीलिंग है, इमोशन बहुत ज़्यादा हैं और क्रियाएँ हैं, यानी एक तरह से बुद्धि इनमें है ही नहीं, लोगों के साथ मेलजोल तो होगा ये ठीक है, और डूइंग का मतलब है ये क्रियाएं करेंगे लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या गुण होने चाहिए इन इस तरह की लर्निंग के बच्चों में, देखते हैं। पहला है प्रेफर ऑन इंट्यूशन देन लॉजिक, यानी लॉजिक के बजाय इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इंट्यूशन क्या चीज़ है, इंट्यूशन को हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कई बार अंतःप्रज्ञा कहते हैं, या फिर आप ये कहते रहते हो कि अंदर की आवाज़ सुनते हैं बस, इनके पास लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, थिंकिंग नहीं करते ये। उसके बाद आते हैं अकोमोडेटिंग वाले कौन से होते हैं, यूज एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्सपीरियंस से को ही यूज करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा नहीं सीख पाते, सिर्फ कॉपी करते हैं एक तरह से ये कह लो। उसके बाद आते हैं डिपेंड ऑन अदर्स फॉर लर्निंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं क्योंकि खुद की इनके पास थिंकिंग तो है ही नहीं, डूइंग और फीलिंग है, लोगों से जुड़े हुए हैं और डूइंग है, तो इसका मतलब है डिपेंड ऑन अदर्स फॉर लर्निंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। दिस लर्निंग स्टाइल इज कॉमन विद जनरल पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं अकोमोडेटिंग में, यानी दूसरों का कहा मानते हैं, दूसरे जैसा करते हैं वैसा कर लेते हैं, ये होता है अकोमोडेटिंग वाले। देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज डूइंग थिंग्स, दे टेक रिस्क एंड दे परफॉर्म वेल व्हेन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट टू इमीडिएट सर्कमस्टांसिस, हाँ इनमें खास बात ये होती है कि ये रिस्क टेकर होते हैं और जब एकदम से कोई काम करना हो तो ये जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि थिंकर होते हैं वो टाइम लगाते हैं, वाचिंग वाले होते हैं वो करते ही नहीं काम। तो डूइंग वाला गुण इनमें होता है, ये फटाफट से काम कर लेते हैं। तो चार स्टाइल हो गई कोल्ब की, चार हमने पहले की थी और चार कुछ और की थी। तो लर्निंग स्टाइल से संबंधित हमारा चैप्टर हो गया है। थैंक यू।